वहीं महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में नए कोरोना मामले बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 9,170 मामले सामने आए, जबकि एक दिन पहले 24 घंटे में मरीजों की संख्या 8,067 थी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के भी 6 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में ओमिक्रॉन पीड़ितों की संख्या अब 460 तक पहुंच गई है। मुंबई में कोरोना के 6,347 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए। महाराष्ट्र, जब भी कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र में ये जो रफ्तार होती है वो सबसे ज्यादा होती है। एक दिन में 10,000 के करीब मामले महाराष्ट्र में कोरोना के सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि अगर जनता नियमों का पालन नहीं करेगी तो केस और बढ़ेंगे, ऐसे में सरकार कड़े फैसले लेने को मजबूर होगी। स्तरावर टास्क फोर्स की मीटिंग झाली, त्याला राजेश टोपे बाकीचे सगळेजण होते। या संदर्भामध्ये साधारण दररोजचा आकडा लक्षामध्ये घेऊन किती पट्टीमध्ये पेशंटची संख्या वाढतीये ते बघून त्याबद्दलचा निर्णय घेतला जाईल। पण पेशंटची संख्या फार गतीने जर वाढायला लागले तर नाईलाजाने अजून कठोर निर्णय घेण्याची। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अभिषेक का। अभिषेक, जिस तरह से महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,000 के करीब नए मामले सामने आए, ये अपने आप में उन लोगों को एक साफ तौर से सावधान करने की चेतावनी दे रहा है जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। बिल्कुल, लापरवाही अभी भी बढ़ती जा रही है। अभी भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना के केसेस कम हैं और लोग अपने तरीके से निकल रहे हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर चिंतित है क्योंकि जिस गति से मामले बढ़ रहे हैं, हर दूसरे दिन मामले दोगुने हो रहे हैं। यानी 20 दिसंबर की बात करें तो 20 दिसंबर को मुंबई के भीतर सिर्फ 204 केस थे और 1 जनवरी जब यानी 10 दिनों में मुंबई के भीतर केसेस की संख्या करीब 7,000 के आसपास पहुंच गई है। डेली 24 घंटे पिछले 24 घंटे के भीतर करीब 7,000 के आसपास केसेस आए हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए चिंता का सबब है। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 9,000 से ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में रिकॉर्ड हुए हैं और इस समय महाराष्ट्र में जिस हिसाब से जिस गति से मामले बढ़ रहे हैं सरकार के लिए चिंता है। हालांकि सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं लेकिन और भी कड़े प्रतिबंध लगा सकती है। शुक्रिया अभिषेक। तो देखिए, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं लेकिन क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, 2 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, इसलिए इस कोरोना काल का केवल एक ही मंत्र है, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। लगातार हम तमाम राज्यों के आंकड़े आपको समझा रहे हैं। मुंबई के दादर की अगर बात करें तो वहां पर भी कुछ इसी तरह के हालात है क्योंकि भीड़ अनियंत्रित होती जा रही है। ऐसे में 6,000 से भी ज्यादा केसेस वहां पर देखे गए क्योंकि दादर एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत अधिक आबादी है। ऐसे में लोग लापरवाही अगर करेंगे तो उसके बाद जो नियमों की अनदेखी अगर होगी तो स्थितियां बद से बदतर होती जाएंगी। और अगर पूरे के पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी लगातार आंकड़े अब बेकाबू होते हुए दिख रहे हैं। जहां पर कुछ दिन पहले तक 3,000-4,000 के आसपास आंकड़े आ रहे थे, अब अगर आंकड़ों की बात की जाए तो वो 9,000 पार कर चुके हैं, जो कि बेहद चौंकाने वाली चीज है। और ऐसे में लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है, उनको सतर्क रहना है, मास्क जरूर लगाना है। दादर की अगर मैं बात करूं तो दादर सब्जी मंडी में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। लगातार कोरोना और ओमिक्रॉन का जो संकट है वो बरकरार है। लगातार मुंबई में जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के दादर सब्जी मंडी में मौजूद हैं और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है, कई सारे लोग इस दादर सब्जी मंडी में सब्जी की खरीदारी करने पहुंचे हैं, लेकिन सब्जी की खरीदारी करते दौरान लोगों को जो है वो कोरोना का कोई भी नियम कानून पालन करते नजर नहीं आ रहे। कई सारे लोगों के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा, ना तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग एक दूसरे के करीब करीब खड़े हैं, ना तो लोगों को अपनी चिंता है ना तो लोगों को दूसरों की चिंता है, क्योंकि अगर लोग खुद का ध्यान रखेंगे तभी वो दूसरों को भी कोरोना फैलने से बचा सकते हैं। लेकिन आप इस मार्केट की तस्वीरें देखकर ये साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई के लोगों को अब कोरोना का कोई भी डर नहीं लगा हुआ है। लगातार मुंबई में केसेस बढ़ते जा रहे हैं लेकिन लोगों के मन में अभी भी कोरोना का डर नहीं है। लोग बेफिक्र होकर मार्केट और सार्वजनिक जगहों पर लगातार भीड़ इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं।
तो देखा आपने किस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, और साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग तरीके के नियम बना दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में 3 जनवरी से एक मॉक ड्रिल किया जाएगा, तमाम अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, बेड्स की क्या व्यवस्था है, ऑक्सीजन की किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है, दवाइयों की कमी ना पड़े इसके लिए मॉक ड्रिल वहां पर होगा। 3 जनवरी से इस मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाएगा, अलग अलग तरीके से लोग कैसे नियमों का पालन करें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, कैसे कोविड एटीट्यूड आना चाहिए उनके अंदर, इन तमाम चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए खासतौर पर प्रेरित करना बेहद जरूरी है, इसलिए 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल अस्पतालों में देखने को आपको मिलेगा, जहां पर तमाम बेड्स की आखिर क्या व्यवस्था है, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा था स्थितियां थोड़ी बिगड़ी जरूर थी, लेकिन तीसरी लहर वो ना आने पाए उससे पहले तमाम व्यवस्थाएं हर राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी जैसा कि हमने आपको समझाया, उनकी ओर से भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामलों पर जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगा और वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज किया जाएगा, सभी को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाएगा, वैक्सीनेशन के लिए आम लोगों से संपर्क किया जाएगा, किशोरों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलेंगे, बाहर से आने वालों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग होगी, और जरूर में कोविड कंट्रोल रूम का को एक्टिव रखा जाएगा। ये तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी किस तरीके से अस्पतालों में, क्योंकि कोविड के केसेस अगर बढ़ेंगे तो उसके बाद स्थितियां बिगड़ेंगी जरूर। देखिए उत्तर प्रदेश का हाल हमने आपको समझा दिया, वहां पर दो स्थितियां अलर्ट पर हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं, लेकिन हरियाणा की अगर बात की जाए तो वहां पर भी आपको बता दें कोविड के आंकड़े बढ़े ना, कोरोना के आंकड़े बढ़े ना, लोग लापरवाही ना बरतें, इसके लिए तमाम रेस्टोरेंट्स, कैफेज, होटल्स सब कुछ वहां पर फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। नए नियम लागू किए गए हैं, जो नियम पहले से ही थे उनमें सख्ती बरती गई है ताकि लोग किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही ना करें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा में ये पाबंदियों का दायरा अब और बढ़ा दिया गया है। राज्य के 5 जिले ऐसे हैं जहां पर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक इन 5 जिलों में सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल, कॉलेज और जिम को अब पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। और जिन जिलों के लिए आदेश जारी हुआ है उनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम के अलावा पंचकुला, अम्बाला, सोनीपत शामिल हैं, और फिलहाल ये आदेश 12 जनवरी तक के लिए जारी किए गए हैं। इससे पहले पूरे राज्य की तरह ही इन जिलों में भी दोनों डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ 50% क्षमता में संस्थानों को खुलने की अनुमति दी गई थी, यानी कि तमाम तैयारियां अलग अलग स्तर पर राज्य सरकारें कर रही हैं ताकि किसी भी तरीके से लोग लापरवाही ना बरतें, इसलिए तमाम राज्य सरकारों ने नई गाइडलाइंस बनाई हैं, सख्तियां और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। हरियाणा की स्थिति हमने आपको बताई, वहाँ पर 5 जिले ऐसे हैं जहाँ पर अब सख्तियां और ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं ताकि लोग नियमों का पालन करें। जिम, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफेज, ये तमाम चीज़ें अब बंद रहेंगी ताकि किसी भी तरीके की लापरवाही बिल्कुल भी ना बरती जाए। और फिलहाल ये आदेश आपको बता दें कि 12 जनवरी तक के लिए ही जारी किए गए। इससे पहले पूरे राज्य की तरह ही इन जिलों में भी डोज वैक्सीनेशन की, दोनों डोज और उसका सर्टिफिकेट बेहद ज़रूरी कर दिया गया है, और कुछ संस्थान ऐसे होंगे जहां पर केवल 50% क्षमता के साथ ही लोग आना जाना कर सकते हैं। फिलहाल के लिए रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इन सभी को बंद कर दिया गया है। अलग अलग राज्य अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि जब से केंद्र सरकार की चिट्ठियां इन तमाम राज्यों को गई हैं उसके बाद से हर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। हर राज्य सरकार की ओर से अलग से तैयारी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश भर में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ओमिक्रॉन का खतरा अलग से मंडरा रहा है, एक नए अवतार में कोरोना ने जन्म लिया है ओमिक्रॉन के रूप में, और धीरे धीरे पूरे देश में ओमिक्रॉन के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक 24 नवंबर वो तारीख थी जब पहली बार दक्षिण अफ्रीका में इसका जो वेरिएंट था वो पाया गया था, उसके बाद से ये आंकड़े हम उंगलियों में गिन लेते थे, लेकिन आज स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। और आपको एक बार मैं खुद मौजूद हूँ यहाँ पर जम्मू में, यहाँ की स्थितियाँ आपको बता दूँ, ये तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ पर ये श्रद्धालु हैं जो इस वक्त जा रहे हैं दर्शन करने, लेकिन कई चेहरों पर आपको मास्क दिखेगा क्योंकि यहाँ पर सख्त पाबंदियाँ हैं, आगे फोर्स भी तैनात की गई है, हर चीज़ की निगरानी की जा रही है, लोग जागरूक ज़रूर हैं लेकिन फिर भी एक का दुक्का चेहरे ऐसे हैं जो बीच बीच में लापरवाही बरतते हैं।